बहुत बिजली है यार। अबे यार, रात में स्केल तो बताया ना, क्या? ये भी तो बीमारी, उसके सिम्टम्स वही है हमें, आपके पर्सनल वर्ड पे हाँ सेम चीज है। ये वो देखो, इसमें तो बहुत ज्यादा रैशेज हो जाते हैं। ये देखो ना, वही चीज है यार, स्केबीज में समझ लो कि आपकी स्किन सारी खराब हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो बेसिकली कुछ दिन पहले बॉबी बट मेरे अपार्टमेंट पे आया था, एंड आई हैव नोटिस्ड कि वो काफी ज्यादा खुजली कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये बीमारी हमें उसी की वजह से लगी है। बट स्टिल वी आर नॉट कंफर्म कि स्केबीज है भी या नहीं, और ये खुजली हमें बॉबी की वजह से लगी है कि नहीं। खैर, खुजा खुजा के हम सब की कान फट गई थी, बट इस एलर्जी से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ा था ना। तो तेरे ख्याल से सबसे गंदी जगह कौन सी यहाँ पे? मेरे ख्याल से सबसे गंदी जगह हमारा जहाँ पे शूज वगैरह स्टोर रूम है जो। लेकिन मेरे ख्याल से ना बेडरूम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हम सोते भी हैं। हाँ, ये भी है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जगह भी सो गए हैं, कौन? हमजा प्राण। ओह, हमजा प्राण। यार बात सुन, सफाई करने लगे यार। चलो उठ, स्टोर में सबसे ज्यादा गंद है हमजा। अच्छा यार, चल ना यार, सुबह सुबह अगर नहीं कैमरे क्यों चल रहे हैं? सुबह नहीं बढ़वे, 3 बज गए दोपहर के। तीन मेरे लिए सुबह का ही होता है। हाँ तो उठना। अच्छा, स्टोर में काफी ज्यादा गंदा है, यहाँ पे काफी ज्यादा डब्बे हैं, कुछ क्रॉक्स पड़े हैं और जूते हैं, और फिर से जूते हैं, और इधर ज्यादा जूते जूते हैं। सफाई करनी है। वो भी पड़ा है, वो भी तू भी साफ कर। शाबाश, कैरी ऑन माय बॉय। चलो शुमून, कपड़ा टाकी ले आओ। मम्मा भी यही कहती है। सबकी मम्मा यही कहती है, सफाई करो, सफाई निफ्स ईमान है। सफाई कौन सा ईमान है? निफ्स, निफ्स ईमान है। आप फोन करो जाकर। भाई जान, सफाई अच्छी चीज है। सफाई रखनी चाहिए इंसान को, और साफ सुथरा रहना चाहिए। खारिश हो रही है। खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है, हर किसी को होती है, हर किसी को होती है, खुजली है भाई, खुजली है। देखें, इंसान को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है? तो साफ सुथरा रहने से ये होता है कि आपको खारिश नहीं होती, जो कि अभी मेरे नीचे हो रही है जगह पे। हर किसी को खारिश हो रही, बड़ी हैवी खारिश हो रही। हर जगह पे खुजली हो रही है भाई, खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है, हर किसी के होती है। अच्छा, उधर नहीं बन रही। अरे ब्रो, अगेन आ गया आफ्टर 2 आवर्स। सिर्फ ये जगह साफ कर पाए अच्छे से, जो गंदे थोड़े बहुत जूते थे स्पेशली मेरे, वो मैंने साफ करके इसके अंदर दिए यहाँ पे, और वे साफ हो गया। जो बाहर जो हमने गंद निकाला ना, उसको साफ करके वापस में रखेंगे। फिलहाल 5 मिनट की ब्रेक से पहले, उससे पहले 5 मिनट की ब्रेक, टी ब्रेक प्लीज। और इनके जैसे कुछ होते हैं बहन, ठीक है? क्या हुआ है? कहा था कि काम करो भाई, कल की टिकटें बुक कर रहा हूँ। क्या हो गया? क्या हो गया? थक गया यार ना, तुझे कहा था आगे हेल्प करवा दे। मुझे अरे बॉबी, आई लव यू सो मच ब्रो। अगली बात से तो समझ गया। खैर, अभी 2 घंटे लगा के हमने जगह सारी साफ कर ली। अब यहाँ पर मारेंगे हम लोग फिनाइल का पोछा, ताकि जो जर्म जुर्म है सब कुछ। कुछ फ्रेश एयर आने दो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। इट्स नॉट ओके, वो गंदी स्मेल है फ्राई की। पानी पा, मैम ने मेरे से फ्राई बहुत ज्यादा डाल दिए भाई। बॉबी से करवाना चाहिए तो सारा कुछ बहन। उस ग्रामी देखो, कौन मिला उसको? कॉल मिला के गालियां देते हैं। कुत्ते। जी सर। उल्लू के पट्टे। जी सर। यू बास्टर्ड। जी सर। साले सुअर की औलाद। जी सर। कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर। जी सर। कुत्ते की मौत मरेगा।
जी सर। मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी माँ की। जी भाई रावण। Oh my fucking god! फाड़ दी मत की भैया जी। झाड़ू वो ले गया ना। बहन इतनी देर से मेहनत कर रहे थे। फिर सिंग लग गया। ऊपर से क्या है भाई? मैंने हाथ में पता नहीं क्या। हाथ दो चाबियां दो सेंटेंस करो। चल भाईजान मैं टेस्ट करवाऊंगा, कसम से मैं चैलेंज दूंगा सबको, ठीक है ना? ये मेरे साथ गलत किया आप लोगों ने। गलत किया मैं पे गलत ही नाम लगा गलत नाम क्या इसकी वजह से हमें खुजली पड़ गई। खड़े-खड़े मैं तो कुछ भी रहती है मैं। Hi, so finally guys, after 4 hours, this is now our store. जो कि थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है। पहले बहुत ज्यादा गंद था, यू नो, केबीज फैलते इस वजह से अनहाइजीनिक रहने से, है ना? और ज्यादा जहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, यहाँ पे काफी ज्यादा गंद छंद होता है। तो हमने सोचा आज क्यों ना गंद खत्म किए जाए। बाकी एक गंद वहाँ हमारा फ्रंट बैठा हुआ, उसको हम बाद में बाहर निकाल देंगे। पट्टी भी यही है ना, ये देखो, ये देखो।